जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, क्यों तू सो जय
तो आपका ये जो जीवन का जीने का समय है, एक एक मिनट का जो ये खत्म हो रहा है, वो बेकार न जाए, अब अपने असली काम में लग जाए, आत्मा के कल्याण के काम में लग जाए, इसलिए नाम आपको मैं बता देता हूँ। तो यह है पांच नाम। यह ध्वन्यात्मक नाम है, मुंह से लेने वाला नाम नहीं है। मुंह से लेने वाले नाम को वर्णात्मक नाम कहते हैं, लेखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया। और ये जो नाम है ये सुना जाता है, यह शब्द ही है, और शब्द ही समझो कि वो नाम के रूप में सुनाई पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे ये नीचे उतरी हैं आत्माएं, तो जहां जहां से उतरी हैं वहां से आवाज बदलती चली गई है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो जब गंगा की धारा नीचे गिरती है तब क्या होता है? आवाज आती है, तो वो आवाज अलग रहती है। और जब पहाड़ों पर नीचे और नीचे आ जाती है तब फिर आवाज बदल जाती है। और जब वही मैदान में आ जाती है तो उस नदी में आ जाती है, पहाड़ में नदियां भी होती हैं, उनमें आ जाती है जब, तो उसकी आवाज बदल जाती है। और जब हरिद्वार में आ जाती है एकदम प्लेन में, तब उसकी आवाज अलग हो जाती है। और जब वो त्रिवेणी संगम पर पहुंच जाती है, जहाँ कई नदियां मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती जैसे हैं, आपके प्रयाग में मिलती हैं, तब वो आवाज और बदल जाती है। और वही गंगा जब गंगा सागर में मिल जाती हैं, सब सिवाय समुद्र की आवाज के और कुछ उसमें मिल नहीं, सुनाई नहीं पड़ सकता है। केवल बस वही समुद्र की लहरें, वही जो है वही सुनाई पड़ता, वो कल कल नदियों का बहना और वो सब बंद हो जाता है। तो इसी तरह से समझो आवाज, ये नीचे उतरी तो ये आवाज बदलती गई, शब्द बदलता गया। तो ये ध्वनि जो यानी समझो उतरी, शब्द उतरा, उसी से नाम ये बनता चला गया। और इनका जो ठेका है, ठेका मतलब इनका जो स्थान है, अभी आपको बताया कि कैसे जीवात्मा उतरी, सुबह बताया था, तो वहां से यह नाम निकलता चला गया। तो वो नाम जो शब्द उतरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। और जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, यही सर्वे सर्वा है, यही शरीर को चलाती है, इसी के ताकत से, जीवात्मा के ताकत से ही शरीर चलता है। तो उसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया है। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, नाम जिसका होता है उसका रूप होता है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये पांच धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, समझाऊंगा, जितना आप याद कर सको याद कर। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज नहीं, सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे, भीड़ ज्यादा है, तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको हुक्म होता है उसी के मुंह से सुनना जरूरी होता है। जब वो जिसको हुक्म होता है वो जब सुनाता है तब उसमें पावर रहती है, उसके कहने में पावर जुड़ जाती है। अब आपको समझा दूं कैसे। जैसे आपके गांव का कोई सरपंच है, जैसे आपके नगर का कोई पार्षद है, रक्षा विभाग का कोई अधिकारी है, एसपी है, कलेक्टर है, आप वहां पर चले जाओ और उसके कर्मचारी से कहो, उसके आर्डरी या चपरासी से कहो कि तुम साहब को थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया कि उसको थप्पड़ मारो, तब वो गिनेगा भी नहीं कि एक मारना है कि दो चार मारना है, टड़ मारेगा। वही बात आपने कहा,
हाँ वही उसने भी कहा, लेकिन उसके उसके जबान में पावर थी, शक्ति थी उसमें, तो वो उसको लागू हो गई, उस पर लागू हो गई, और आपके जबान में शक्ति नहीं थी। बात वही कहा आपने, उसने भी अधिकारी ने भी वही कहा, लेकिन आपके कहने से वो मारा नहीं और उनके कहने से मार दिया। तो जिसके मुंह से जिसको आदेश होता है उसके मुंह से जब सुना जाता है तो वही फलता और फूलता है। तो आप किसी को भी मत बताना और लिख कर भी मत देना, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। रिकॉर्ड करके भी सुनाओगे तो भी उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये अगर नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, इन्होंने मेरी बेइज्जती किया, बताने लग गए सबको, मेरी पावर को क्षमता को नहीं समझ पाए, ये लुटाने लग गए, तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का काम आप मत करना, किसी को भी इन नामों को मत बताना। दूसरी चीज आप और समझो, ध्यान लगाना कहते हैं आंख से देखने को और कान से सुनने को भजन कहते हैं, तो अभी तो आपको बताऊंगा कि भजन कैसे किया जाता है, किससे सुना जाता है, देखा कैसे जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ये तो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये बात समझो कि जब आप ध्यान लगाने लगोगे, मन आपका रुकने लग जाएगा, तब कोई चीज आपकी आंखों के सामने आने लग जाएगी। अब आपको क्या दिखाई पड़ जाए ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आपके मेहनत के ऊपर है, ये आपके भाव प्रेम भक्ति के ऊपर है, यह आपके अंदर की निर्मलता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, और देख करके उछल जाओगे, कूद पड़ कूद कूद जाओगे। ये नहीं देखोगे कि हम बोल रहे हैं, कि हंस रहे हैं, कि नाच रहे हैं, कि गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम से मस्ती आ जाती है देखने से ही। मेरा पग गुरु बांध मेरा नाची रे, नाचने लगती थी वो जब दर्शन हो जाता था, लेकिन जब बंद हो जाता था तब गली गली घूमती थी, रात दिना मोहिनी अवय भाव अन्य कहती थी, तीर की तरह से साल रहा है उसकी याद, प्रीतम की याद, कोई भी मिल जाए दर्द हमारा दूर कर दे, दुख दूर कर दे। तो दिखाई पड़ेगा जब जब प्रीतम का, प्रीतम किसको कहते हैं, पति किसको कहते हैं, परमेश्वर को, तो परमेश्वर का दर्शन हो गया आपको, देवी देवता जिनको कहते हैं उनको दिख, वो दिख गए आपको, स्वर्ग वैकुंठ में घूमने लग गए, वहां का नजारा दिखाई पड़ने लग गया, तो आप उसको हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बता दोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा, तो फिर न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा, फिर रोओगे और चिल्लाओगे, फिर तो कुछ बोलते भी नहीं है और आंखों से ऐसे आंसू निकलता रहता है, कोई पूछता भी है क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो। अरे तो कहते ना कि मुख से कुछ बोलत नहीं और नैन देता है रोए, बलिहारी व घट का जागट प्रगट होए, हानि समझो जिसके घर में प्रगट हो जाता है, आप ये समझो वो बंद हो गया, दिखाना बंद हो गया, तो रोता है चिल्लाता है, हानि कभी कभी तो बहुत तेज रोने लगता है, पूछो क्यों रो रहे हो, तो कुछ नहीं, उसी को लोग पागल कहने लगते हैं। किसको पागल कहते हैं, मीरा को पागल कहते हैं। पागल का मतलब जो पा जाता है, क्या पा जाता है, अंदर की दौलत पा जाता है, अंदर में दर्शन जिसको हो जाता है वो एक तरह से पागल जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो बताना मत किसी को अगर कुछ दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, और अगर आप बच्चे बच्चियों करोगे तो आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो उनके, किसके है, उस प्रभु के। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई पड़ता है, जिनको सुनाई भी पड़ता है, ये न बताओ मैं तो चैलेंज करो कोई तो मैं बता दूंगा कि इनको दिखाई पड़ता है, इनको सुनाई भी पड़ता है। आप तो समझो एक दो को नहीं,
यहां तो मैं कई सौ लोगों को बता सकता हूं। तो अब आप ये समझो, आप करोगे तो आपको भी मिलेगा, दिखाई पड़ेगा सुनाई पड़ेगा, लेकिन बताना मत किसी को। अब तीन चीज आप और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को ध्यान कहते हैं। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। माला जपने को सुमिरन, और आंख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब तीन चीज और समझो, तीन आंख, तीन कान और तीन नाक। कहोगे भाई ये कैसे? दो आंखें तो ये बाहर हैं, जिनको चर्म चक्षु कहते हैं, इनसे बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, दुनिया की ये चीजें दिखाई पड़ती हैं, इनकी हद है। हद किसको कहते हैं? सीमा जिसको कहते हो, वार्ड बॉर्डर कहते हो, बहुत ज्यादा दूर तक आप नहीं देख सकते हो इससे। तो ये दोनों आंखें जो बाहर हैं, ये चर्म चक्षु कहलाती हैं, इनसे बाहर की चीजें देखी जाती हैं। और जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी है। आज्ञा चक्र किसी ने कहा, किसी ने तीसरा तिल कहा, तो ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, एक आंख उसमें है। उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु शिवनेत्र जिसको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर ने थर्ड आई बताया उसको, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो दो आंख ये बाहर और ये आंख अंदर जीवात्मा में, तीन आंख और तीन कान। देखो एक कान ये दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है, जिससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और ये कान है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनहित कहा गया, भेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, जिसको किसी ने गिरा कहा, किसी ने समझो कि आप गुरुवाणी कहा, वो सुनाई पड़ता है उस कान से, अंदर वाले कान से। बाहर के कान से दुनिया की आवाज़ें सुनाई पड़ती है, और उस अंदर वाले कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो दो कान बाहर, एक कान अंदर, तीन कान और तीन नाक। एक सुराग देखो ये दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ है, यह है नाक, यही शरीर को चलाता है, इसमें जो प्राण हैं, प्राणों को यही खुराक देता है। कहाँ से देता है? वायुमंडल जिसको कहते हो, हवा, हवा फैली हुई, आंखों से ऐसे दिखाई नहीं पड़ती। हवा को अगर पड़े ही आप ये समझो कौर से अगर देखो तो हवा दिखाई पड़े, रंग भी दिखाई पड़ता है इसको, इसकी अन्य समझो खुशबू बदबू का भी पता चलता है। हवा का भी, धरती का भी रंग है, आकाश का भी समझो रंग है, इनका सबका रंग है, और इनमें सब में खुशबू बदबू, और ये सब बदबू तो नहीं कहा जा सकता, अब ये समझो कि खुशबू गंध है जिसको कहते हैं, इनमें गंध है, सब में गंध है। तो इसमें से ये नाक खींच करके हवा को और प्राणों को देता है, तो प्राण शरीर को चलाते हैं। एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है, एक सुराख से अच्छी हवा जाएगी और दूसरे सुराख से गर्म हवा निकलेगी। यह समय समय पर बदलते रहते हैं, तीन चार घंटे में बदल जाते हैं। इनके बदलने में 5 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक का समय लगता है। अब यह है कि अगर जुकाम है, नाक बंद है, तो उसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन जो भी अपना काम छोड़ते नहीं है। आप ये समझो जैसे जीवात्मा के ऊपर पर्दा तो पड़ गया कर्मों का, लेकिन उन पर्दों के ऊपर से भी जीवात्मा की शक्ति, जीवात्मा को प्रभु की शक्ति जीवात्मा को मिलती रहती है, तभी तो ये जिंदा है, और नहीं तो भी अभी आदमी खत्म हो जाए। तो इसी तरह से यानी समझो नाक बंद भी हो जाए तो भी कुछ न कुछ हवा जाने लगती है, अंदर जाती है,
अब ये जरूर है कि एकदम बंद होने लग जाता है तो सांस खोलने लग जाता है, मुंह से आदमी सांस लेता है, लेकिन ये काम अपना बंद नहीं करते हैं नाक। चाहे सो चाहे लेटो बैठो कहीं भी रहो, आप कोई भी काम करो, नाक अपना काम बंद नहीं करते हैं। तो एक बार में एक नाक के सुराख से अच्छी हवा अंदर जाती है, उसी समय दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा निकलती है, अंदर गंदी हवा निकलती है। ये बदलते रहते हैं अपने हिसाब से, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं, ऑटोमेटिक काम है इनका। तो दो नाक के बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, तीन नाक, तीन कान और तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज। अब पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज मैंने आपको बताया, अब आपको दूंगा नाम ध्यान। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। कोई भी काम आप करते हो, चाहे आप दुकान करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे राजनीति में हो, आपको कुछ छोड़ना नहीं। ये जरूर है कि जहाँ भी आप जो भी काम करते हो, मेहनत और ईमानदारी से अगर करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी, बरकत आपको मिलता चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन इस समय पर आप लोग 24 घंटा का जो जीने का रोज का समय मिला है, उसमें आप बराबर अपने शरीर के लिए ही काम करने में लगे हुए। शरीर को स्वस्थ रखो, खाने का अच्छा इंतजाम करो, कपड़े का करो, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाओ, इसी काम में लगे हुए। तो ये काम कोई भी छोड़ो मत, लेकिन उन्हीं में से समय में से कटौती करो। 2 घंटे का समय अपने ये जो मैं बताऊंगा, नाम जपने में, ध्यान लगाने में, भजन करने में, इसमें लगाना है 2 घंटे का समय। बाकी समय आपका है, जो जैसा करते हो करो। हम तो न किसी का जात बदल रहे, न धर्म बदल रहे, कुछ नहीं बदल। हमारे यहाँ तो समझो मानवता की बात है, धर्म और उसका तो कुछ है ही नहीं, न जाति पाति का कुछ है। हर का भजे सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। आप तो समझो भगवान ने कोई जाति पाति तो बनाया नहीं, भगवान ने कोई आप तो समझो देश विदेश नहीं बनाया, कोई भाषा नहीं बनाया, कोई आप तो समझो जिला प्रांत नहीं बनाया, उसने तो केवल इंसान बनाया है, इंसान के लिए ही है। खिलकर जिसको कहते हैं, ये दुनिया के पेड़ पौधे, ये जल पृथ्वी आकाश, ये सब इंसान के लिए ही बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, सबका आँख कान टट्टी पेशाब एक का रास्ता एक जैसा। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हम तो भजन करते हैं, कराते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, सबके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा है। हम तो सबको मानते हैं, सबको जानते हैं, सबको प्रणाम कर। तो हमारे यहाँ तो ये कुछ नहीं। लेकिन आप कहोगे बाबा तो जात पात सब खत्म कर दे रहे हैं, सारा समाज की मर्यादा खत्म कर दे रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं किसी देवी को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते हैं, कोई भी मूर्ति इनके यहाँ नहीं लगी है, कोई भी पूजा पाठ उस तरह का नहीं होता। अरे भाई, अब हमको जानकारी हो गई कि ये तो गुड़िया गुड्डा का खेल होता है। गुड़िया गुड्डा का खेल जानते हो? छोटी बच्ची होती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, तो गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है और उसको घर भेजती है, खाना बनाती खिलाती है, सब पूरा काम करती है जो शादी ब्याह के बाद होता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती तब गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है वो, तब तो जब उसको असली पति मिल जाते, परमेश्वर मिल जाता है, इससे जब पति परमेश्वर जिसको कहा गया, जब वो मिल जाता है, जैसे पति मिल जाता है लड़की को, तब वो गुड़िया का खेल नहीं खेलती। ऐसे ही जब परमेश्वर मिल जाता है तब वो इन छोटी चीज़ों में क्यों फंसेगा। अब आपको ये सब बताऊंगा, मैं विरोध किसी का नहीं करता हूँ, और कोई भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते रहे हो या करते हो तो उससे आपके ऊपर संस्कार बना और वही संस्कार ले आया। कोई भी गुरु आप बनाए होंगे तो उस उन्होंने जो संस्कार डाला होगा वही संस्कार आज आपको यहाँ नामदान लेने के लिए ले आया। अब कुछ आप ऐसे आए हो जो नामदान लेने के हिसाब से आए हो, कुछ तो सत्संग सुनने, धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए आए हो,
लेकिन मिलाप को सबको जा रहा है, बता दिया जा रहा है, सब जगह बता देता हूँ। विदेशों में या 15 देशों में नामदान दे करके आए, कौन से देता हूँ? इसलिए दे देता हूँ कि पता नहीं कब किसका समय पूरा हो जाए। आप ये समझो, पहले के युगों में अकाल मृत्यु होती नहीं थी, अल्प मृत्यु जिसको कहते हैं होती नहीं थी। बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी, बाप बैठा है, लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन इस समय पर घर से आदमी निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे पर जब होत मरे, तो भाई जो श्वास की पूंजी जो ये दिन रात खर्च हो रही है, जीने का समय जो खत्म होता चला जा रहा है, उसमें जो ये बचा है समय, उसमें अपना काम पर कुछ करो। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो भी काम करने में लगे हुए हो, मरने के बाद ये कोई चीज काम आपके नहीं आएगी। यही घर मकान बिल्डिंग बना रहे हो, इसमें कोई दूसरा रहे, धन दौलत इकट्ठा किया हो अपने खर्च करने के लिए, मेरे पास पूंजी है, लेकिन वो पूंजी आपकी नहीं रहेगी, उसको कोई दूसरा खर्चा करे। ओ कितने आए, राजा आए चले गए, महाराजा आए चले गए, सेठ साहूकार चले गए, पंडित मुल्ला पुजारी चले गए, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, तो सोचो आप रहोगे? आपको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा। ये धरती का नियम ही है ये, कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। अपना काम क्या है? अपना काम यही है, धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। तो वो मैं रास्ता आज आपको बताऊंगा कि जिससे अपने घर आने जाने लग जाओ, मरते समय जो पीड़ा तकलीफ होती है वो ना हो, रोज का मरना जीना सीख लो। मरना किसको कहते हैं? जिसके शरीर में अन्य जीवात्मा नहीं रहती है। साधना में भी आदमी मरता है, जीवात्मा को निकाल लिया, ऊपरी लोकों में चला गया, तो शरीर में कोई जान नहीं रहता है। लेकिन मरते समय क्या होता है? मरते समय जो है ये तत्व नष्ट होने लगते हैं। ये जो जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ देती है, और इसमें छोड़ती नहीं, और इसमें जो 10 प्रकार के प्राण हैं वो 5 प्रकार के नीचे ये रह जाते हैं, तो ये खींचते हैं, याद बनी रहती। तो अब आप जब थोड़ा और सत्संग सुनोगे, जो पहली बार आए हो, तब आपके समझ में ये सब आ जाएगा। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो, कौन अच्छा है कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिली। अरे भाई कीचड़ को उठाओगे, सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव।